हम तुमको कहते अरे भ्रष्टाचारी भेजे इस्तीफा दो, मुश्ताक अहमद होश में आओ। लेकिन हम लोग थर्ड पार्ट के हैं भैया, हम लोग थर्ड पार्ट के हैं और अभी तक मेरा मतलब कि सेकंड पार्ट का रिजल्ट। धर्म से मुसलमान हो तुम, मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान। तुम्हारे अंदर कहीं भी ईमान नहीं बची, अगर तुमसे गद्दी नहीं समरता रिजाइन दे दो, रिजाइन दे दो तुमको अगर धर्म में शर्म है तो। काफी गुस्से में लग रहे हैं क्योंकि उसके जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। और हम भाई जी से बात करेंगे। मेरा नाम आजाद कुमार हुआ, मैं MSU का छात्र नेता हूँ। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, लेकिन जब से ये भ्रष्टाचारी भीसी आया और ये रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद, इस पर चार चार कॉलेज का गमन का केस चल रहा है। वो इस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार बन के आया है, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया इस यूनिवर्सिटी को। ठीक है, इसको हम कहना चाहते हैं कि हमारा सत्र नियमित करो हर एक कोर्स का। ये 2 महीने से हम लोगों ने मेहनत किया, गांव-गांव से छात्र को बुला करके आज आंदोलन को मैंने सफल बनाने का काम किया। और ये गेट नहीं खोल रहा, मैं इसको कहना चाहता हूँ इस VC को, इस भ्रष्टाचारी रजिस्ट्रार को, जमाना उस ओर चलता है, जवानी जिस ओर चलता है, इसलिए जवानी को भड़काने का काम मत करो। ये मुझे दीवारें मत दिखाओ, ये इसका ईंट ईंट छूट जाएगा। ये स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला देश है, यहाँ खून में आंदोलन बसता है। अरे अगर तू भूल गया है किसान का आंदोलन तो जाके न्यूज में देख लो, ईंट ईंट छुरा के रख देंगे। अगर आज तुम गेट नहीं खोला तो इस यूनिवर्सिटी का एक एक गेट तोड़ देंगे, कोई नहीं रोक सकता हमें। भ्रष्टाचार बंद करो, दलाली बंद करो, हर एक कोर्स का सत्र नियमित करो, रिजल्ट का एग्जाम का डेट जारी करो कैलेंडर सौ समय, ताकि मेरे बच्चा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। तुम लोग का लेट लतीफा के चलते मेरा बिहार का भाई बहन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं कर पाता। अगर हम आपको दावा के साथ कहते हैं, अगर आज कन्हैया कुमार इस यूनिवर्सिटी से पढ़ता तो आज वो इतना बड़ा आदमी नहीं बनता, ये तो बर्बाद करता है भव्य। और सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों, 1990 के बाद, लालू यादव नीतीश कुमार के बाद आज तक कोई छात्र मुख्यमंत्री नहीं बना, छात्र नेता। ये लोग जड़ काटने का काम किया है, ये छात्र चुनाव को बंद कर दिया है पिछले 50 सालों से, और उसको अविलंब चालू करवाओ। इसलिए भ्रष्टाचारी VC, अगर तुमसे गद्दी नहीं समरता रिजाइन दे दो, रिजाइन दे दो तुमको अगर धर्म में शर्म है तो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अरे बेटा इसको क्या मतलब है, इस VC को क्या मतलब है, 2 करोड़ घूस देकर ये VC बना होगा, ये रजिस्ट्रार 50 लाख घूस देकर रजिस्ट्रार बना होगा, इसका बाल बच्चा सगा संबंधी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता होगा, बेंगलोर में भेल्लोर यूनिवर्सिटी में पढ़ता होगा, और ये गरीब के बाल बच्चे को तुम शिक्षा से वंचित करते हो। अरे तुम्हारे तन मन में पिल्लू फर जाएगा तुमको। भ्रष्टाचारी इस्तीफा दे दो, तुमसे नहीं संभलता इस्तीफा दो, फिर एक पैसा लोगे, बच्चों के पैसे से सैलरी मिलता है तुमको, उसका नमक खाते हो। अरे किसी धर्म में तुमको आस्था ही नहीं है, तुम भ्रष्टाचार पर सिर्फ विश्वास करते हो। मैं पूछता हूं भाइयों, जो गरीब होता है, जिसका पेट जलता है, वो अगर चोरी करे, करप्शन करे तो चलने वाली बात है? तुमको तो लाल बत्ती मिला हुआ है रे, तुमको नौकर मिला हुआ है, फिर क्यों भ्रष्टाचारी करते हो रे? गरीब तो भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता है। अरे गरीब चोरी अगर किया तो पेट के लिए करता है, तुमको क्यों करते हो चोरी, क्यों? जवाब दो, नहीं तो इस्तीफा दो। अरे नहीं चलेगा, अरे धर्म से तुम मुसलमान हो मुश्ताक अहमद,
धर्म से मुसलमान हो तुम, मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान। तुम्हारे अंदर कहीं भी ईमान नहीं बचा हुआ है, तुम रिजाइन दे दो इस पोस्ट से। और भाइयों 15 जून के, सुनिए 15 जून के आंदोलन के डर से इसने आनन फानन में पार्ट 2 का रिजल्ट जारी किया और मार्क्स के साथ नहीं सिर्फ रोल नंबर दिया है और उसमें आधे से ज्यादा बच्चे को प्रमोट और फेल कर दिया। एक एक कॉलेज का 90% बच्चा फेल है, ये कैसे हो सकता है? तीन महीना में एग्जाम लिया और 6 महीना में रिजल्ट दिया, पूरा कहना चाहते हैं एग्जाम लिया हम लोग का, पूरा जेके कॉलेज पूरा प्रमोट। ये यूपी का भीसी है, इसको बिहार वाले से कोई मतलब नहीं। ये 2 करोड़ घूस दे करके आया है यहाँ पर और ये 5 करोड़ कमा के जाना चाहता है यहाँ से। हम तुमको कहते हैं अरे भ्रष्टाचारी भेसी इस्तीफा दो, मुश्ताक अहमद होश में आओ। धन्यवाद। यहाँ पे काफी गुस्से में लग रहे हैं स्टूडेंट मिथिला स्टूडेंट यूनियन। और अगर यहाँ पे ऐसा स्थिति है कि अगर गेट नहीं खोला जाए तो तोड़ भी सकते हैं गेट को, इन स्टूडेंट के लिए कोई बड़ी बात है? पूरे पावर में है, 3 महीना में एग्जाम लेता है, 6 महीना में रिजल्ट, 6 महीना में भी नहीं देता है, उसे ज्यादा सारा आधा से बेसी प्रमोटेड कर दिया है जेके कॉलेज। सर भैया ऐसे स्थिति हो गया है कॉलेज का कि लड़का जो मतलब कि इस मिथिला यूनिवर्सिटी के बाद जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी के मतलब कि जो मतलब कि थर्ड पार्ट का जो स्टूडेंट है सबका जो है कि एग्जाम हो गया है। बहुत लड़के पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हम लोग थर्ड पार्ट के हैं भैया, हम लोग थर्ड पार्ट के हैं और अभी तक मेरा मतलब कि सेकंड पार्ट का रिजल्ट नहीं आया हुआ था और कल रात को सेकंड पार्ट का रिजल्ट आया, उसमें भी इतनी